अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अबशीर खान और आप देख रहे हैं शेर खान फूड। काबली नमकीन रोस्ट की रेसिपी लेकर आए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, आप उंगलियां चाट जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक किलो हमने बीफ लिया है, इसकी बॉडी जो है हमने नॉर्मल साइज़ से थोड़ी सी बड़ी रखी है। अब इसको हम वॉश करेंगे इसका, ताकि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो और इसमें से ब्लड भी निकल जाए। एक टेबल स्पून इसमें नमक हमने शामिल किया है, 3 टेबल स्पून इसमें सिरका शामिल करेंगे। सिरका और नमक लगाने से इसका जो ब्लड है वो भी निकल जाएगा और इसमें स्मेल भी सारी ख़त्म हो जाएगी। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे इस तरह ही रख देंगे ताकि इसमें से जो है वो ब्लड और सारा कुछ निकल जाए। 10 मिनट हो चुके हैं, ये देखें इसमें से ब्लड भी निकला है और इसकी स्मेल भी इंशाल्लाह ख़त्म हो गई है। अब इसको मैंने वॉश कर लिया है। अब एक बाउल लेंगे दोबारा, इसमें इसको शामिल करेंगे और इसमें हम 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे, क्योंकि हम नमकीन जो है काबली रोस्ट बना रहे हैं। गोश्त को हमने नमक लगा लिया है, इसको अब अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको साइड पर रखेंगे और चलेंगे अपने चूल्हे की तरफ। प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें हम चर्बी के जो 4 पीसीज हैं जो नीचे हम बिछाएंगे इसके, और घी का इस्तेमाल इसमें हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो चर्बी हमने नीचे रख दी है इसमें से इतना ज़बरदस्त किस्म का अपना घी निकल आएगा कि रोस्ट को 4 चांद लग जाएंगे। अब 6 अदद मेरे पास आलू हैं, जो बिल्कुल नमकीन जो आलू होते हैं वो हमने लिए हैं, एक बाज़ार में मीठा आलू भी आता है वो नहीं लेंगे। 4 अदद हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे साबुत। और अब आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कर दें। अब जो गोश्त को हमने नमक लगा के रखा था वो इसके ऊपर इस तरह से दरमियान में रखेंगे। याद रहे कि हम इस गोश्त को बिल्कुल साइडों पे नहीं रखेंगे, बिल्कुल दरमियान में रखेंगे इसको, ताकि ये देखें मैंने इसकी सेटिंग कर दी है। इस तरह से दरमियान में गोश्त रखेंगे सारे का सारा। एक लहसुन की गुठली लेंगे बिल्कुल साबुत, इसका हमने ऊपर वाला छिलका उतार दिया है, बस इस तरह से हमने इसको रख देना है। 6 से 7 अदद इसमें हम सब्ज़ मिर्ची शामिल करेंगे। वीडियो के लास्ट में हदीस भी पढ़ लिया करें, जज़ाकअल्लाह। लेमन जूस चाहिए हमें, तकरीबन 4 अदद लेमन का जो जूस है वो हम निकाल लेंगे, वो इसके ऊपर लगाएंगे। और पानी का इस्तेमाल हम इसमें बिल्कुल भी नहीं करने वाले। यहाँ पे मसाले हमारे पूरे हो चुके हैं, अब इसको हम ढक्कन लगा कर प्रेशर लगा कर इसको तकरीबन 1.5 घंटे तक मीडियम आँच पर पकाएँगे। तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है, अब आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। ले जी, माशाल्लाह से हमारा काबली रोस्ट बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है, ये देखें माशाल्लाह से। तो चलें आपको अब डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त किस्म का नरम और कितना गल गया है माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म के, ये देखें। अब इस पर मज़ीद कुछ चीज़ें डालते हैं, इसकी जो यखनी हमने निकाली थी वो इसके ऊपर शामिल करेंगे। देखें माशाल्लाह से कितना घी और कितना इसका जो खुद का जो ऑयल है वो निकल आया है। बस थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक इसके ऊपर हमने शामिल की है और थोड़ा सा धनिया इसके ऊपर शामिल किया है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, लास्ट में हदीस भी देखते जाएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जज़ाकअल्लाह।